बहाना पहुंचे सोनीपत से बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि मेरा विधानसभा में जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं लोकसभा चुनाव ही लड़ूंगा और लड़ूंगा भी सोनीपत से ही। खबर रिपोर्ट के जरिए सोनीपत से बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। कौशिक ने कहा कि मेरा विधानसभा में जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं लोकसभा चुनाव ही लड़ूंगा और लड़ूंगा भी सोनीपत से ही। रमेश कौशिक ने दावा किया है कि एक सांसद के तौर पर वो जो कर सकते थे उन्होंने पूरा किया। कोई भी काम मेरे अधिकार क्षेत्र का बकाया हो तो बताओ। सुन लो, वो भी सारे रोड कटे थे और मैं कहता हूँ गांव के रोड रह सकते हैं। जो मेरी बात मेरी बात मेंबर पार्लियामेंट में क्या करना है वो सबको देखो। आज रेलवे का कोई प्रोजेक्ट हो गया है तो हमारे यहाँ लग गया है। वहीं रमेश कौशिक ने खुलासा किया कि गोहाना में वेस्टर्न बाईपास अलग से नहीं बनाया जाएगा, इसके लिए रोहतक रोड को ग्रीन एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। उनके अनुसार गोहाना के रेलवे स्टेशन का करोड़ों रुपए की लागत से आधुनिकीकरण होगा। जल्द ही एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी मिलेगी, ये ट्रेन अप्रैल के बाद चलेगी। रमेश कौशिक ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें भगवान से डरना चाहिए। हुड्डा के बारे में बीजेपी सांसद ने ये शब्द तब कहे जब उनसे पूर्व सीएम के इस आरोप पर सवाल किया गया कि रेल कोच फैक्ट्री गोहाना के लाड जौली गाँव में लगनी थी। कौशिक ने साफ किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव तक नहीं था। उन्होंने हुड्डा पर पलटवार किया कि 10 साल तक उनकी सरकार रही, तब सीएम रहते उन्होंने ये रेल कोच फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा दी। वहीं चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दावे पर प्रतिक्रिया में कौशिक ने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सबको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। सांसद ने कहा कि बीजेपी 2019 को फिर से दोहराएगी और सबके सब 10 सीटों पर विजय का पताका फहराएगी। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।